देख रहे हैं CN24। नमस्कार, मैं हूं मेहर। खबरें अब तक में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। भाजपा विधायक सुरेंद्र के बयान के विरोध में उतरे कांग्रेसी, फूंका पुतला। देवरिया में सपा कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में जुटे, किया जनसंपर्क। विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। और प्रदेश सचिव का युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अब खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टी भाजपा को घेरने में लग गई है। आज गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक सुरेंद्र सिंह के विरोध में खड़े हो गए और उनका प्रतीकात्मक पुतला फूंककर उनके द्वारा दिए गए बयान पर आक्रोश व्यक्त किया। बलिया जिले के बैरैया विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर भगवान श्री राम खुद धरती पर उतर आए तो भी रेप की घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं। उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना शुरू हो गई है और लोग उनके विरोध में खड़े होते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में भी भाजपा विधायक के इस बयान का विरोध कांग्रेसियों ने जोरदार तरीके से किया। गोरखपुर में जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसी नेता अनवर हुसैन ने कहा कि भाजपा विधायक गैर जिम्मेदाराना हैं और उन्हें रांची के पागलखाने भेजे जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो है अत्याचार जो है बढ़ गए हैं। लगातार महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। छेड़खानी की, महिलाओं के हत्याएं की घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। अभी एक बीजेपी के विधायक, उसके बाद बीजेपी के एक बयान बहादुर आ गए एक और विधायक, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कर्मचारियों के खिलाफ एक बयान दिया था कि कर्मचारी वेश्याए के समान होती हैं। इसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी आ जाएं तो रेप की घटनाएं नहीं। इस बात से प्रतीक ये होता है कि विधायक ने खुद स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी शासन एकदम विफल है, रेप की घटनाओं को अंकुश नहीं लगा पाएगा। आप देख रहे हैं CN24। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का कसिया रोड, जहां आज 2019 लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज रहे नेता स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह की बेटी और पूर्व सांसद कनकलता सिंह ने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें जनपद के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आम जनता के सुझाव पर उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। चुनाव तैयारी के सवाल पर कहा कि हमको जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे अच्छे से निभाया गया। ये सरकार हमारी सरकार के कार्यों का शिलान्यास मात्र ही कर रही है। ये जनसंपर्क कार्यालय मैं आम जनता के सुझाव से और आम जनता से मिलने के लिए, उनके कार्यों को निस्तारण करने के लिए इसको आज खोला है और इसमें काम होता रहेगा। आम जनता से मैं मिलती रहूँगी, अपना काम करती रहूँगी। मैं तो शुरू से, आपने देखा है कि पिता के नहीं रहने के बाद जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है बड़ी ही मजबूती के साथ मैंने काम किया और जो कुछ भी देवरिया में दिया है वो ऐतिहासिक है। सभागार आप देख रहे हैं तैयार होने वाला है, ये बड़ी उपलब्धि है। हॉस्पिटल के लिए मैंने बहुत काम, जितनी मशीनें हैं मेरे मेहनत से आई हैं। आज भाजपा के लोग उसको उद्घाटन कर रहे हैं और आप देखिए जो भी सरकारें हमारी बनती हैं तो उसका काम होता है कि शिलान्यास करना और उद्घाटन करना, लेकिन ये सरकार सिर्फ उद्घाटन हमारे कार्यों का कर रही है। आप देख रहे हैं CN24। गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद विगत 50 वर्षों से अधिक समय से हिंदू हितों के लिए कार्य कर रहा है।
भारत को पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन करके रामराज्य की परिकल्पना लिए विहिप के कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन कार्य में लगे हुए हैं। हमें अपने कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विहिप का समरसता विभाग समाज में समरसता लाने व छुआछूत को जड़ से खत्म करने के लिए कृत संकल्पित है। हिंदू समाज को उसका खोया गौरव वापस दिलाने के लिए राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण अब अति आवश्यक हो गया है। हमारे देश का नौजवान अस्पतालों में अनजान लोगों के लिए भी आवश्यकता पड़ने पर खून देने के लिए आ गया है। इसलिए 2 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सामूहिक रक्तदान ऐसे कार्यक्रमों पर यहाँ चर्चा हुई है नवंबर तक की। यही इस बैठक का हेतु है जो यहाँ चर्चाएं हुई हैं। तत्काल 15 से 20 दिन में हर जिलों में बातें पहुंच जाए। अभी तक तो कुछ नहीं हुई, लेकिन मैं आखिरी सत्र में राम जन्मभूमि के बारे में कुछ बताऊंगा, आपको अभी बता देता हूँ। के लिए है मंत्रालय, मैंने कहा ना एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय में गाय रखी है। अब मैं मंत्री बन गया, मेरी रुचि कुत्ते में और बिल्ली में है, मछली में है, गाय में ही नहीं। आप देख रहे हैं CN24। युवा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बादल चतुर्वेदी को प्रदेश सचिव बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में जोश है। आज गोरखपुर में प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी के आगमन से गोरखपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत कर फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया। जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक ने कहा कि बादल चतुर्वेदी को प्रदेश सचिव बनाए जाने से संगठन और कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। आज की ये बैठक हमारे उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ने पूर्वांचल से 2 यूथ साथियों को प्रदेश सचिव में मनोनीत किया है, जिसमें एक हमारे गोरखपुर जिले के बादल चतुर्वेदी हैं, दूसरे हमारे देवरिया जिले के ज्ञान रंजन जी हैं। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य था हमारे नवनियुक्त हमारे जिला के मजबूत साथी छात्र संघ में अपनी कयामत दिखाने वाले बादल चतुर्वेदी जी को प्रदेश सचिव बनाया गया। दूसरी इस बैठक की मुख्य जो उद्देश्य था कि हम आगे सड़क पर किस तरह संघर्ष करेंगे और युवाओं की आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे हमारी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और यूथ कांग्रेस के माध्यम से, ये मुख्य उद्देश्य था हमारी आज बैठक का। प्रमुखता हम हर्ष में थे, हमारे भाई को प्रदेश सचिव बनाया गया, इसलिए हमने हर्ष व्यक्त करते हुए संघर्ष की रणनीति बनाएंगे। नव नियुक्त प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी ने बताया कि जो दायित्व मुझे मिले हैं मैं उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। आज जो हमको कांग्रेस पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है उसके मजबूती से हम लोग निर्वहन करेंगे और सारे भाइयों के कंधों को मजबूत करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CN24। आप देख रहे हैं CN24।